हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पढ़ रखा है आपने, हल्का फुल्का आइडिया है बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं। हमने अभी तक देखा, अगर एक पार्टिकल मूविंग है विद सम मोमेंटम, आवाज नहीं करेंगे बच्चों, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग हैविंग सम मोमेंटम पी, देन अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट। अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसके साथ जो इसकी एसोसिएटेड वेव है वो भी आगे मूव कर रही होगी। कहने का मतलब ये पार्टिकल अगर यहाँ होगा तो वेव भी साथ में यहाँ मूव कर जाएगी। अब इस वेव का मतलब क्या है ये देखते हैं। मैं लिखवाऊंगा सारी बातें, आप समझ लें बस। मैक्स बोर्न एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताया। उन्होंने बोला कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली इंटेंसिटी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू या इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस बात का मतलब क्या है, जहां पर आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वेव का, वहां पे पार्टिकल की पाए जाने की संभावना ज्यादा है ना, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी इज मोर वेयर एम्पलीट्यूड इज मोर। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां पे पार्टिकल इस लोकेशन पे है तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी यहां पे ज्यादा है, ग्रेजुअली वो डिके करके जीरो हो रहा है। हालांकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल डिक्रीजेज एज वी गो अवे फ्रॉम द पार्टिकल, बट स्टिल देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। तो आपका पार्टिकल यहां से यहां इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, उसके बाद मान लेते हैं वेव जीरो है, वेव नहीं है। तो क्या ये रीजन हो गया जहां पे पार्टिकल हो सकता है आपका? तो आप कहीं पे सर्टेनली पार्टिकल की पोजिशन नहीं बता सकते हैं। अगर मैं कहूंगी एसटी की इस टाइम पे फिजिक्स की क्लास में होने की संभावना 50% है और 50% संभावना है बायो की क्लास में, तो सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बोल सकते कि वो कहाँ पे है। सिमिलरली अगर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटीज हैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होने की, तो यू विल से कि पार्टिकल इस रेंज में रहेगा, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट सर्टेन, है ना। अगर पार्टिकल की पोजिशन अनसर्टेन है तो क्या वेलोसिटी भी अनसर्टेन होगी, है ना। मोमेंटम भी अनसर्टेन होगा, जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है उसको हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स वो रेंज है जिसमें आपका पार्टिकल होगा और वही आपकी अनसर्टेनिटी है कि यहां तक आपका पार्टिकल हो सकता है। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी में एक बात बोली गई है कि जो अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय डेल्टा पी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका प्रिंसिपल बताता है। और इसको फर्दर जब आप एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हो इक्वालिटी में,
तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू, वेयर एच कट इज एच बाय टू पाई। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बस ये बोलता है कि कभी भी आपकी आप पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को दोनों को एक साथ सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाओगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें तो जो मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एक्स को कम कर दूं, डेल्टा एक्स को कम करने का मतलब है कि हम पिन पॉइंट पोजिशन बता रहे हैं पार्टिकल की। अगर डेल्टा एक्स कम हो जाएगा तो डेल्टा पी बढ़ जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स को कम करने का मतलब है कि वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। डेल्टा एक्स कम होगा तो एक पिन पॉइंट पोजीशन आ जाएगी। बट अगर हम उस बात की तरफ बढ़ रहे हैं कि पोजीशन सर्टेन है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड आउट सर्टेन विद सर्टेनिटी। ये आपका प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप इसको लिख लें, बेशक आपने कुछ लिख लिया होगा, कुछ पॉइंट्स और लिख लें। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। ये लैंग्वेज मैंने शायद एनसीईआरटी से कॉपी की होगी, फिर भी आप देख लेना कोई और अच्छी लैंग्वेज हो तो। बट बात यही है कि पोजिशन और मोमेंटम दोनों को सर्टेनिटी के साथ हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक बुलेट पॉइंट बना के एक पॉइंट और लिखें। सेम चीज ही है, लैंग्वेज अलग है। एक्स एंड पी, अब आप मोमेंट पोजिशन और मोमेंटम की जगह आप लिख लो एक्स कॉमा पी कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली। साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली क्या करें? नहीं, न्यूटन, देखो मैं बताऊंगा अभी। ये कह रहे हैं कि ये डेफिनेटली अभी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो हो कह रहा है आपके दो वर्ल्ड हैं, क्लासिकल वर्ल्ड एंड क्वांटम वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड में जो भी हमारे सराउंडिंग में मोशंस हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन के तीन नियमों को इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन 1900s में, 1900 के बाद नई थ्योरी डेवलप हुई क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें सब है। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। बताएं आप क्या करें? नहीं, न्यूटन ने ट्राई किया होगा बट ये तो बिल्कुल फाउंडिंग प्रिंसिपल है। हो सकता है कल को कुछ और हो जाए बट अभी जो हम मानते हैं साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स का, ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है। इसमें ऐसा है, आप अगर इसको रिलेट करना चाहें, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है कहीं पे और आपने उसको उसकी पोजिशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो आप जैसे ही उसको प्रोब करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन सर्टेन है ही नहीं, है ना। जैसे मैं अगर जैसे ही मैं रितेश की तरफ देखता हूँ तो रितेश उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब है ना, उसके अंदर कुछ तो ऐसी आत्मा है, पोजीशन सर्टेन नहीं है। तो ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे बट उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखी और ये नोट कर लेंगे मैक्स बोर्न का जो वो है, इसको लिखवाने की जरूरत है क्या कि इसकी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? हाँ जी, लिखवाने की जरूरत है क्या? ठीक है, बस फिर तो डन हो गया। हुँ? हुँ? हुँ?
जिसकी भी आप पोजीशन निकालोगे, मैं कह रहा हूं कि वो पोजीशन सर्टेनिटी के साथ हो ही नहीं सकती। कैसे बताएं? नहीं, नहीं आ सकती सर्टेनिटी के साथ। मैंने, मेरा कहने का मतलब है, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ सर्टेनिटी के साथ नहीं आ सकती हैं। अगर डेल्टा एक्स को कम करोगे, इट मीन्स यू आर फाइंडिंग अ पिन पॉइंट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, डेल्टा एक्स को कम करते हैं तो उस समय मोमेंटम आपका अनसर्टेन हो जाएगा। हाँ, अब ये बात भी बोलना कि वो सारे कोलिजन के प्रिंसिपल्स भी फॉलो करता है ना, वो भी डिफिकल्ट है, नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को, दोनों को एक साथ विद सर्टेनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक को सर्टेनली फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप डेल्टा एक्स को कम करेंगे। डेल्टा एक्स कम करेंगे, इट मीन्स ये वेव कम होती जाएगी, है ना, एक पिन पॉइंट पे वेव बन जाएगी, तो वहां पे आपका पार्टिकल रहेगा। अगर एक्स सर्टेनिटी की तरफ बढ़ेगा तो दिस विल बिकम इनफाइनाइट, अगर ये जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहना है। ये बात है, ठीक है? आप कुछ सवाल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड? लिखिए आप क्वेश्चन। सवाल लगभग तो जो हमने लास्ट कल किया था उस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके आएंगे, वेवलेंथ वाले पे। लिखें, इफ मोमेंटम इज चेंज्ड, इफ मोमेंटम इज चेंज्ड बाय 50%, देन व्हाट विल बी चेंज इन एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डबल तो नहीं होनी चाहिए, चेक करें एक बार। चेक करते हैं, ठीक एक बार। आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू पी, डेल्टा लैम्डा डी लैम्डा बाई डी पी विल बी, एच इज कॉन्स्टेंट तो -1/पी2। इस पी को अलग अलग कर लिया, माइनस जो एच बाई पी है वो आपका वापस से क्या बन गया, लैम्डा, वो पी रह गया बाहर। फिर आपने रीअरेंज किया इसको तो ये टर्म बन गई आपकी। ये क्या है, चेंज इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, इनटू 100 कर दूं मैं दोनों साइड तो क्या चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। हाँ जी, तो सेम रहेगा, अगर कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना। 50% बढ़ाया है तो 50% ही वो बढ़ जाएगा, परसेंटेज चेंज विल बी सेम। उसका ठीक है,
हाँ जी लास्ट लेक्चर है, 4-5 सवाल करने हैं, जितनी जल्दी करेंगे आप उतना। कल? हाँ जी कल संडे है, संडे को पीछे छोड़ दें मेरा। नहीं 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 आपको डाउट पर्सनल डाउट वो आप लेने आ सकते हैं। हाँ जी अगला सवाल लिखें, लिखिए फटाफट। अ ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ, अ ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच, फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच अ सिंगली आयनाइज्ड, फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच अ सिंगली आयनाइज्ड, सिंगली मतलब सिंगल के साथ वही लगाना है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन इज टू बी एक्सेलरेटेड फॉर द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सवाल है आपका, ड्यूट्रॉन को आपने 500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो आप एच ई प्लस को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे कि दोनों की वेवलेंथ सेम आ जाए। ड्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो मास डबल होता है, इसका मतलब मास आप इसका मान सकते हैं 2m। चार्ज कितना हो सकता है इसके ऊपर, ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है तो चार्ज तो +1 ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो चार्ज यहाँ पे +e ही रहेगा। मास 2m है, चार्ज इतना है, हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4m, क्योंकि हीलियम का मास नंबर 4 होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 मास रहेगा और चार्ज आपको 1 दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो +e। मास पता है, चार्ज पता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया वो पता है, यहाँ निकालना है लैम्डा बराबर है। एक बार कर लें ट्राई, कल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था पोटेंशियल डिफरेंस v से, उसका लैम्डा निकाला था, उसका बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यस बताऊंगा उस बारे में। हाँ जी बताऊं क्या, आयुष ऊपर है, आंसर इसका है 250 वोल्ट। देख ले भाई, लैम्डा इज एच बाय पी कैन बी रिटन एज 2mqv। बताएं ये बात लिखनी सही है क्या, ये कहां से आई है, अगर v पोटेंशियल डिफरेंस में आपने q चार्ज को एक्सेलरेट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, हो जाती है q इंटू वी, इलेक्ट्रॉन के केस में e इंटू वी हो गई थी तो q इंटू वी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है, मोमेंटम इज अंडर रूट 2m k, बस आपने k की जगह q इंटू वी पुट किया है, एक्सप्रेशन आपका बन गया ये।
अब दोनों में वेवलेंथ बराबर है, एच बराबर है, तो और क्या बराबर है, चार्ज बराबर है, प्लस ई टू कांस्टेंट है, तो क्या दोनों का एम और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इसका मास कितना है, 2m, पोटेंशियल डिफरेंस 500, उसका मास 4m, v डैश 250 आ जाएगा, 250 वोल्ट। मोक्ष ठीक है। अगला सवाल लिखें, हाँ जी बेटा देखो हमें तो क्या करना है, हमें वेवलेंथ बराबर करनी है। अगर वेवलेंथ बराबर है तो ये टर्म तो ये और Q तो सेम है, इसका मतलब M और V का प्रोडक्ट भी सेम ही रहना चाहिए, तो मैंने सिंपली M और V का प्रोडक्ट सेम कर दिया। ठीक है, अगला सवाल लिखें, अल्फा पार्टिकल अल्फा माने हीलियम 2+, अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 0.83 सेंटीमीटर, और फिर बताया गया है 0.83 सेंटीमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.25 टेस्ला, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। सवाल हल्का सा मिक्स किया है चैप्टर 4 के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। हाँ जी बेटा, हाँ मीटर में कन्वर्ट होगा डेफिनेटली। आपको वेवलेंथ निकालनी है, मोमेंटम चाहिएगा, मोमेंटम निकालना है तो पी चाहिएगा, पी चाहिए तो वी चाहिए, अगर मोमेंट उसमें वेव, हाँ, भाई लोगों जागो, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका फॉर्मूला बनता है क्यू बी आर इक्वल टू एम वी, नहीं क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बनता है क्या? ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, क्यू वी क्रॉस बी करके आया है, V और B यहाँ पर पेंडिकुलर है तो वी बी हो गया सीधा, एम वी स्क्वायर बाय आर है, V कटेगा एक, तो एम वी इज क्यू बी आर, आपको मोमेंटम ही चाहिए तो B दे रखा है, R दे रखा है, Q ये आपका हीलियम पार्टिकल है तो 2E हो जाएगा। आंसर अवेलेबल इज 0.01। वंदिता आप सोल्व करने में विश्वास नहीं रखती हैं, ऐसी उम्मीद है हमें भी। क्या देखते हैं,
देखिए भाई, इसमें आपका है बेसिकली हमें निकालना है लेमडा एच बाय क्यू बी आर। कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। मुश्किल है तो मुश्किल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है क्या? 6.6 × 10⁻¹⁴, चार्ज आपका 1.6 × 10⁻¹⁹, बी आपको दे रखा है 0.25। सोल्व भी करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखें। आंसर इसका ये, लिखिए आप, फॉर वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन, फॉर वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 1.4 × 10⁻¹⁰ मीटर। क्या क्या दे रखा है साथ में? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10⁻²⁷ kg, और एच की वैल्यू आपको पता ही होती है। सवाल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है। 1.4 मैंने बोला क्या है? फिर 10 ही होगा। हाँ जी बेटा, सवाल में कुछ भी नहीं है, आप एक बार हिंट ले लें कि कैसे करना है, बाकी सारा मैथमेटिक्स है। डॉक्टर ने परहेज बताया लिखने के। हाँ जी भाई लोगों, सिंपल है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी करेंगे, एम इंटू वी करेंगे। मास अलग से गिवन है, एच पता होता है, लैम्डा गिवन है, वी निकल आएगा, वी निकल आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। सो सिंपल निकल आएगी। क्या आंसर लिख लें आप? आंसर इसमें आया है काइनेटिक एनर्जी का इन जूल्स 6.69 × 10⁻¹⁰ जूल। लेकिन इसका पर्पस, सवाल का पर्पस है कि आप एक बार उस कैलकुलेशन के थ्रू खुद से जाएं, है ना, घर पे आप डेफिनेटली एक बार पूरा सोल्व करके देखना। ए फॉर्मूला तो वी निकल आएगा, वी निकल आएगा, फिर आप काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे। अगला सवाल लिखें फटाफट। हाँ जी बच्चों, सवाल लिखें अगला। इफ लेमडा ई एंड लेमडा पी इफ लेमडा ई स्मॉल ई एंड लेमडा पी डिनोट डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड, आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट। थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा पी। कंसिडर मास ऑफ प्रोटोन एम पी एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई, इसी फॉर्म में आपको निकालना है। एम पी इज मास ऑफ प्रोटोन एंड एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बंदे तो आपका मोटिवेशन साइनसोइडल वेव की तरह बहुत ऊपर नीचे होता है ना, कल इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनानी थी, आज बिल्कुल डॉक्टर की राइटिंग में आ गई हो। क्या ये रफ है, रफ फेज लाइफ का कि नोटबुक रफ है, दोनों करें फटाफट से। बस लैम्डा ई एंड लैम्डा पी, ये जे बेटा इतनी खराब राइटिंग तो नहीं है मेरी, एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है वैसे भी, थोड़ा कॉमन सेंस और हल्की सी राइटिंग का कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना है। हाँ जी हाँ जी, अबे तुरे उसको क्या चिंता तेरे को उसकी तो ऐसी होती डिस्कवरीज यार। ये वाला सवाल सबको करना है भाई, आसान है, इसमें वो भी नहीं है, हो पाया? कितना आंसर आया? 43? नहीं, आपको एम और एम पी के उसमें निकालना है, आपको एम की वैल्यू नहीं पुट करनी, पुट कर दी आपने, पुट नहीं करनी है, देख लें एक बार। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच बाय अंडर रूट टू एम ई इंटू ई वी नॉट, ठीक लिखा है क्या? ऑफ प्रोटोन टू एम पी ई वी नॉट, दोनों का चार्ज सेम होता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये टू भी सेम है, एच भी सेम है, जब आप रेशो निकालेंगे लैम्डा ई बाय लैम्डा पी तो इट विल बी एम ई बाय एम पी बाय एम ई का अंडर रूट, दिस इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा पी, ठीक है। एक लास्ट सवाल है बस, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, देखते हैं वो उसके बाद एक्स्ट्रा रख लेंगे जिसका वो है। देखिए आप, फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे बस एक ही आपको चीज ध्यान रखनी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या क्या होगा और मास क्या क्या होगा, अगर वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो तीन पार्टिकल्स हैं आपके, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन इज सिंपली इसका मास और चार्ज देख लेते हैं, इसका मास मान लिया एम, चार्ज प्लस ई होगा। न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का ही आइसोटोप है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास हम लगभग लगभग बराबर मानते हैं तो 2m हो गया, और चार्ज
चार्ज तो प्लस ही रहेगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस होता है, हीलियम आपका मास 4m हो जाएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, 4m हो गया और चार्ज प्लस 2। मास और चार्ज पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हाँ शायद ठीक होगा, इसमें अलग तरीके से दिख रखा है, दिखाता हूँ। वेवलेंथ इज, या इक्वल करें तो आप वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट टू मास चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों केस में एच सेम रहेगा, टू सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास इनटू चार्ज। तो क्या मैं लेमडा पी रेशो लेमडा डी रेशो लेमडा अल्फा निकालूं, पहले का मास कितना है प्रोटॉन का m, m इनटू e का अंडर रूट, दूसरे का मास 2m e और तीसरे का मास 4m और ये आपका 8m ही हो गया। अंडर रूट एम ई कॉमन निकाल के हटा सकते हैं क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो में एक कांस्टेंट से सेम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आप रूट एम ई को हटा सकते हैं, वन इज टू वन बाय रूट टू, वन बाय टू रूट टू। आप इसको मैनिपुलेट करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें टू रूट टू से और इसका आंसर ये हो सकता है टू रूट टू और 2:1। इस केस में आपने 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे इसके जितने टाइप ऑफ सवाल हो सकते हैं सब कवर कर लिए हैं। इसका असाइनमेंट आपको मैं मंडे को दे दूंगा, कर तो दिया अंडर रूट को नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू।